बांग्लादेश में हिंसा के बीच इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों पर ड्रोन और तोपों में हमला, 200 की हुई मौत। इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि वह रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए हमलों के बाद उनका इलाज कर रही हैं। म्यांमार के मुस्लिम रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 200 नागरिक पश्चिमी राज्य स्काइन में एक तोपखाने और ड्रोन हमले में मारे गए हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने जीवित बचे लोगों से इस हमले के बारे में पूछा तो उन्होंने इसके लिए अराकन आर्मी को जिम्मेदार बताया है। अराकन आर्मी म्यांमार में राखीन जातीय समूह की सैन्य शाखा की एक सैन्य शाखा है। हालांकि आर्मी ने हमले में किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार किया है। यह हमला तब हुआ जब रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाके में एक नटी के पास नाव का इंतजार कर रहे थे। यह हमला म्यांमार के पश्चिमी स्काइन राज्य में बांग्लादेश की सीमा के पास हुआ है। लोग बचने के लिए सीधे नदी में कूद गए। ये लोग बांग्लादेश में नफ नदी के पार खड़े मोकडाउन शहर में भीषण लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहे थे।